अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली भाई क्या हाल है? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई आज क्या लेके आए हैं? अज असि जनाब बनावांगे घिया गोश्त मटर। अच्छा कद्दू शरीफ माशाल्लाह। हाँ जी कद्दू शरीफ बनावांगे जी, सुन्नत भी है खाना। ठीक है तेरे नाल बेशुमार शफावां ने। ये जनाब 1.5 किलो हलवा कद्दू है। कद्दू है हलवा? कद्दू नहीं सॉरी घिया कद्दू है। ठीक है ते नाल असी अरे गोश्त पावांगे 1.5 किलो जी। मटन ठीक है? वैसे तो अरे मेरे को ते मटन दूसरा दस्ती वगैरह वाला ते ऐसे जारे पुट्ठ दा गोश्त होवे ते बहुत मजा आता है, क्योंकि हर चीज़ दा गोश्त लैदा लैदा होंदा ना। ते असी जनाब इहनू पहले उबायल करना है। ठीक है इहनू छिल के कटांगे, उस तो बाद इहनू उबायल करांगे, नमक पा के बस ते गोश्त लैदा भुन्नांगे ते फिर तुहानू नाल नाल दस दे जावांगे। ठीक है जी ये असी फिलहाल छिल लेंगे इस तरह। हाँ जी असी इन जनाब ए वेख रहे हो ना इन बरीक बरीक छिल रहे, ज्यादा मोटा नहीं। ठीक है तो यह जरा ना कद्दू बड़े स्पेशल है भाई। हाँ जी इतने फिर इंज के लभदे ने, गोल भी आते ने किसी टाइम, ज्यादातर ऐ ही चलते ने इतने। ठीक है असी जनाब है कद्दू शरीफ जरा ना के का भी मजा है जी। क्या बात है जी, ठंडा गर्मी ज्यादा स्वाद आ जाता है जी। ठीक है माशाल्लाह। तां चली दा ना जरा सफाई नाल चलिया जांदा, एक ते दूसरे नंबर ते जरा गंद घट पैंदा, तीसरे नंबर से ज्यादा तुच्छ लिया नहीं जाता। छिले उन्होंने असं कटने जनाब असी इंज कटना। कटिंग पैड स्लिप नहीं होगा। क्या बात है माशाल्लाह। ये दोस्तों देखिए आपने अली भाई ने कितने प्यार से कितनी जबरदस्त कटिंग की है। ये हाँ जी कद्दू कटिंग हो गया जनाब, प्याज भी कट लिया तकरीबन वड्डा प्याज सी 3 प्याजा के बराबर। ठीक है 1 टमाटर लिया वड्डा, यानी कि 2 टमाटर के बराबर वड्डे हैं। तो यह 1.5 किलो गोश्त है। असी सब तो पहले जिन्ना प्याज टमाटर गालांगे 15 मिनट, उस तो बाद गोश्त पावांगे, क्योंकि साडा गोश्त बोरा लावा होंदा 10 मिनट ही लैंदा, तो गोश्त असी तोड़ना भी तो नहीं ना है। ठीक है ना हूँ असी प्याज दे विच लसन अदरक पहले नमक मिर्च पाने, 1 चम्मच नमक का पा दें। ठीक है जी तो
अद्धा चम्मच हल्दी का पा दें, मर्च गोंग गोशा तो असं लैदा भुनना है तो घिया लैदा उबालना, उस तो बाद जरा ना फिर असी गोशा दे विच पाना, तो असी यह मर्च पाती एक चमची जानी है अद्धा चम्मच नमक मर्च पाई। हाँ जी हूँ असी यार जरा ना लसन जरा ना एदा एक चम्मच नहीं एक चम्मच नहीं मतलब एक चम्मच पा रहे दो चम्मच पाने अदरक दे लसन का जरा ना दो 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 चम्मच दुआ दे पाते ने ठीक है ते एना जैसी हुन पानी पावांगे ग्लास डेढ़ ते उस तो बाद जरा ना एनू गलन दे रखने बस लो जी एनू असी मिक्स करता है एनू 15 मिनट एनू गलन देने हैं ठीक है 15 मिनट जरा ना गलेगा मोटा मोटा कटिया टमाटर से प्याज ठीक है ए हूँ गलता रहेगा कर ढक्कन रख लगे ए हूँ जी घिया रख लगे जी ए थोड़ा जि पानी पाना बाकी जो पानी अपना छड़ देना ए इन्हें अपना भी पानी छड़ना ठीक है जी इन पानी सी चढ़ाता है यार जी नमक पाना सिर्फ एक चम्मच ठीक है जी क्योंकि जिसल उबलेगा ना तो फिर वो नमक का जरा चम्मच होएगा ना वो बड़ा बेहतरीन होएगा ठीक है जी दोनों को 10-15 मिनट हाँ जी असी हूँ इन्होंने ना ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਗਲ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪਾਇਆ ਵੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸਲੇ ਉਬਲਦਾ ਗਲਦਾ तो फिर इन्हें इस मिक्स करांगे तो यह भी जिसल गलद मिक्स करांगे लो जी प्याज है तकरीबन गल गया ठीक है जी हम असं यार जरा ना गोश्त पावे गोश्त पा के तो गोश्त जरा फिर इन गल जाएगा जिसल तो फिर असं इन भुनना शुरू कर देंगे ठीक है जी प्याज वेखा जी गल गया तकरीबन देखो जी चूस हम गोश्त पाने थोड़ा सेक लवाने कद्दू भी हो रहा है जी। हाँ जी कद्दू बस अद्धी च हो गया अच्छा गल जाएगा फिर अग बंद कर देंगे ठीक है जी गोश्त साडा माशाल्लाह हुण जिहड़ा सेक लगता है तेन मठी अग से रख दें गोश्त प्याज वगैरह सारा कुछ गल जाएगा ठीक है जी बाकी लवादमा जो असं पाई जाएंगे सेक लगता गोश्त भी मठी अग करने मैक्सीम इन्हें 15-16-17 मिनट लैने गोश्त गल जाना साढ़ा तो फिर असी जरा कद्दू कद्दू भी साढ़ा गल जाएगा तो फिर असी कद्दू की अग बंद कर देंगे लो जी गोश्त साडा तकरीबन गल गया ना तो जे नहीं भी गलिया तो पानी खुश कर दें गल जाएगा असी इन्हू जनाब उची अग करती है उन्होंने भुनने असी ठीक है तो उन्नी देर घिया साडा लीम हो जाएगा क्योंकि गालना घीया घिया गल गया है खरा खरा लेकिन नहीं मेरे मतलब का नहीं हाले गलिया हाले आधी चीज गोश्त भुनद्या साडा तैयार हो जाएगा फिर असं नाल ही इन्हू घी पा देंगे बिच है हूँ असी गोश्त भुनने अल्लाह के हुक्म ना वेखो ना तकरीबन हड्डी छड़ गया है तकरीबन नेड़े लग गया हूँ पानी खुशक होंगे भुनदे दम शम लादियाँ ने सैट हो जाना ठीक है जी ए सब्जी है ना ये घिया कुछ पाया ना असं यार खड़ा मसाला पा रहे हैं
ठीक है ना असी एह्दे च खा दालचीनी लौंग छोटी इलाची पानी है, सिर्फ एह्दे च पीसिया दा गर्म मसाला पाना है, सिर्फ पीसिया गर्म मसाला पाना है, ठीक है जी। ते सुक्का धनिया वगैरह पाना है, हरी मिर्च असी एह्दे च पानी है सिर्फ साबत लंबी लंबी ओह पानी है, क्योंकि सब्जी है ना ओह की है कुछ अद्धी एह्द च चंगी लगती ना, एह्दे च अदरक असी ऐसे पाया है, ए कोई शह नहीं खड़ी खड़ी पानी, देखो जी अदरक बरीक बरीक कट के पाने ला पाने, वो तो फिर थोड़ी मर्जी है जो मर्जी तुम करो, लेकिन जो तरीकेकार होता जी सब्जी वो नजर आनी चाहिए, ठीक है जी। तो असी इस वास हरी मिर्च सिर्फ पावे खरी खरी, बाकी असर कोई नहीं सिर्फ पीसा गर्म मसाला लावे हूं, तो नाले असी उन्होंने थोड़ा जा सुक्का धनिया लाने जी, तो पानी खुशक होता थे लो जी। ती जनाब हूं ये ना सुक्का धनिया पावे तकरीबन एक चम्मच हैगा, ठीक है, बाकी पीसन वाला पाया साढ़े को पीस लाँगे धनिया, सुक्का धनिया पा के हम असी यार तेल पाने बनाई घर के फिर दही पा लाँगे, ठीक है, दही एंड ते पाना। तो यह जरा ना जनाब असी प्याज मेल्ट हो गया, ठीक है, तुम देख रहे हो अलहमदुल्ला मेल्ट हो गया प्याज, ऐसी हूँ ये एक कप जरा ना तेल रखे है, एक कप ये तेल पा दें, ठीक है जी, मेरे नी बनाई करने उस तो बाद असी गर्म मसाला ऐड करा एक चम्मच बस, ये अलहमदुल्ला चेक कर रहे हो तुम लपटा जी, माशाल्लाह खुशबू दोस्तों है, सब्जी की है इस वास्ते जरा ना खरे मसाले पैने ने ना कोई फालतू चीजा पैनिया ने, ठीक है ना, क्योंकि सब्जी का टेस्ट वो गोशे का टेस्ट जैनवल लेना चाहिए, ठीक है। वेख लो असी प्याज कैसे मेल्ट किया ग्रेवी सोहनी, कि मैं ये नाल भी पा सकना था कट्ठा प्याज वगैरह, लेकिन एवं गोशे का लावा होंगे वेखो ना गल गया मजेदारी होंगी, गोशे लीम भी हो खरा भी हो, ठीक है ना, तो गोशे हमेशा मैदी तो आती चलो ये पुट्ठ भी पैंती है लेकिन मिक्स जरा ना होना चाहिए गोश्त, ठीक है। सिर्फ ये होना है जो तो दही असी पावे असी नाल ही हरी मिर्च जी है ना वो साबत की असी पानी है, पांच क पा देंगे पा के जी ना वह कट के भी नहीं पानी साबत की पानी लाने एक चम्मच, देखो ज्यादा मैं आइडिया नाल काम कर रहा हूं इन्ना मैं पता होंगे लेकिन तुम्हें सिर्फ क्वांटिटी दसन का मकसद होंगे, एवं को एक चम्मच है बलिए पुत्र की गल हो गई तो जी एक चम्मच असी ये पाता गर्म मसाले का, हाँ 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 आई जी खुशबू सुभान अल्लाह सल्ले वाला, देखो जी देखो जनाब हूँ असी ये दही ऐड करांगे, घ्यो छड़ दिता इन्होंने हल्का जहा हूँ असी यार दही पा, ठीक है जी दही इन्ना नहीं पाना क्योंकि सब्जी हैगी है खट्टी नहीं करनी, बस एक टेस्ट देना से पाना दो चार चम्मच व्डे जो है बस है, तीन चम्मच बस आज दही दही की बुनाई करने सोनी जी करके उन्हें, ठीक है जी दही पुजेगा घ्यो छड़ देगा फिर असी घीया लाने घी अगर गल गया तो नाल ही घीया बिच पा के असी नाल घीया चेक करिए, बिस्मिल्लाह खरी लगे थोड़े सामने, हाँ जी माशाल्लाह हो गया
ठीक है जी, हूँ असिए भुन के फिर घिया जाना ना दही वाला भुन लीए ना असं हूँ एडे हरिया मिर्चा पावे जी, हरिया मिर्चा साड़िया पईया पईया लाल हो गई हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, तो पानी असं साबत ही ने। ठीक है, हूँ इन्हें जाया तो नहीं ना करना जी, बिल्कुल साबत ही पाती है, जिन्हें खानी होगी खा लेगा, इन्हें छड़नी होगी छड़ देगा। हाँ जी लगनी है। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह घ्यो छाड़ता ने। ठीक है जी, हम असं घिया पावे तो घिया थोड़ा जहा भुना गे तो घिया साढ़ा ठंडा ठंड हो जाएगा। लो जनाब बिस्मिल्लाह। चलो घिया जी, घिया शरीफ आ गया जी, लोड़ पई तो अभी पानी पा लेंगे, ना पई तो फिर चट्टा ना दिन चलता रहेगा। लो जी थोड़ी सारी बनाई करने जिन्ना फिर सानू बत्तर चाहिए होगा, फिर पानी की जरूरत होगी तो हाँ जी, ना तेल चाहिए फिर अभी जगह मक्खन छटांगे ये थोड़ा जहा देसी घ्यो पता नहीं उन्होंने बना लिया कि नहीं याद नहीं है, मक्खन का तड़का सट्टा यार। हाँ जी, अच्छा करो भाजी उजल फिर नान नान कर घ्यो छड़ता है, जो कोई बोटी टुट, हाँ जी कोई बोटी टूटी है जी, वेखो बोटियां थानू सब ही नजर आ गई, अल्लाह के हुक्म ना, अल्लाह के हुक्म ना, कोई बोटियां इंज लीम ने साबत ने। हूँ असी यह जरा पानी रखे ना इतने घीए का जरा पानी रखा जी, वैसे वैसे रखा जी, घीया जो भुन लेना ना सही तो फिर रसा मिसा से करना ना रोटी ना खान अस जो उस वास्ते इस वास्ते घीया जरा ना सैर से उबाली दे, क्योंकि घीए में जो भुन लगो ना जिसल भुनद तेल खटैस ना फिर गलन च टाइम लगता इतने का घीया, अगर सारा का घीया तो उबाला आंदे आंदे गल जाता ना, जरा सही मिठा घीया हों इसे तरह घीया डाढ़ा है, देखो कि टाइम लिया इन्हें गलन से, क्योंकि असं इन गला के छड़े हाँ जी गोशत भुन लिया फिर जाके गलिया, थोड़ा मक्खन पाया थोड़ा लबटान मक्खन दिया। ठीक है जी, है मक्खन जो खुलेगा ना फिर अपनी लबड़ देगा देसी घ्यो जी। ये देखे जी भाई साहब लड़ने और ये भाई साहब इसकी आप आवाज सुन ही रहे हैं, ये देखिए सब देखने वालों को हाय को, देखने वालों को हाय अस्सलाम वालेकुम। नहीं मैं कह रहा हूँ वहां से नहीं जी, अब धनिया लगाते हैं नहीं अब ये जी छोड़ देगा धनिया लगा देंगे दम। ठीक है जी, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह लो जी ये धनिया पै गया जी, जी धनिया ठीक है जी, धनिया का असं दम ला दिता है ठीक हो गया जी, तो हूँ असं इंशाल्लाह ताला तुहानू नैक्सट वीडियो से मिलेंगे। ठीक है जी, अल्लाह तबारक ताला तुहानू खुश रखे, अपने दमान च रखे, सानू दुआवां च याद रखियो, जिहड़ी शायद कमी पेशी होए सानू पुछ लेना, सानू मशवरा भी दे सकदे हो यार तू इंज नहीं इंज कर सकना था, ठीक है ना, मशवरा भी दे सकदे हो, ऐ नहीं कि मैं कोई अकले कोल लाके मैनू सारा पता हैगा, नहीं
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕੁਝ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹ।